हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बीएसएससी सीजीएल के एडमिट कार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी कि बीएसएससी सीजीएल का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि जो आपके ऑफिशियल साइट है उसके थ्रू आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम अराइज़ हो रही है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो रहा ऑफिशियल साइट से। अगर ऑफिशियल साइट की बात करें तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका ऑफिशियल पेज है, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो ये सच में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि अभी आपकी जो साइट है वो नहीं चल रही है, वो क्रैश हो गई है। क्रैश होने का क्या मतलब है, जब बहुत सारे लोग एक साइट पे काम करते हैं या बहुत सारे लोग जब एक साइट पे लिंक से डाउनलोड करने लगते हैं या वर्क करने लगते हैं तो वो साइट क्रैश हो जाती है। वही सेम सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो गई है, साइट आपकी अभी नहीं चल रही है, हो सकता है 3-4 घंटे बाद आपकी साइट फिर से ओपन हो जाए। तो जिन लोगों की साइट नहीं ओपन हो रही है या जिन लोगों का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो पोर्टल के थ्रू अपडेट कर दिया गया है, यानी पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। तो ये आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल जिनका एग्ज़ाम है वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं आपके पास, बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड 10 दिन पहले ही जारी होता है, 8-10 दिन पहले, यानी आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास है। एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है साइट क्रैश होने की वजह से, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। तो इस वीडियो से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जैसे ही साइट ओपन होती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।